हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनका अगला कदम क्या होगा आपको लेकर, यानी आपके पर्सन जब भी आपके लिए कोई नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, नेक्स्ट एक्शन लेते हैं, तो वो क्या हो सकता है, वो एक्शन क्या होगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि कब तक वो अपना अगला कदम लेंगे। ओके, ये रीडिंग जनरल है तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे, आपको ओपन माइंडेड होकर सुननी है। यह रीडिंग सभी जोड़ियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है, यानी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, यह आपसे तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीने, हफ्तों या सालों बाद क्यों ना पहुँचे हों। ओके व्यूअर्स, और अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ, सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। एक ज़रूरी सूचना कि मैं पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ, तो अगर कोई मेरे चैनल के नाम से, मेरे नाम से या किसी और के नाम से कमेंट्स में आपको कोई मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, कोई कॉन्टैक्ट डिटेल देता है कमेंट्स में, तो उसका विश्वास ना करें, वो एक फ्रॉड और स्कैम हो सकता है। ओके, तो मैंने कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब पर नहीं दिया है, तो कमेंट्स में दिए हुए जो भी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उन पर विश्वास ना करें, वो एक फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा आपको लेकर। पहला कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स, ठीक है, द हर्मिट, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, गुड। स्टेबल एनर्जी मुझे दिख रही है, थोड़ी बहुत ऐसा लगता है जैसे पास्ट एनर्जी भी यहां पर है, पास्ट की वाइब्स है यहां पे। ओके, यस, तो व्यूअर्स ऐसा लगता है कि ये सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पेंटिकल्स हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये स्टेबिलिटी भी दर्शा रहा है। ठीक है, तो उनका अगला कदम क्या होगा आपको लेकर, देखिए व्यूअर्स, रीडिंग में ऐसा दिख रहा है जैसे कोई पास्ट पर्सन, जैसे कोई आपका एक्स, जैसे कोई ऐसा पर्सन जिससे आपकी अब इतनी बात नहीं होती है, या फिर उस पर्सन के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, तो कोई ऐसा पर्सन जो आपसे दूर है, दूर हो गया है या हो गई हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपने इनके साथ पहले कनेक्शन में या रिलेशन में रहे हैं, तो ऐसा लगता है कोई पास्ट पर्सन लौट कर आने वाला है, किसी का कम बैक आपकी लाइफ में होने वाला है, तो आई थिंक ये वही पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये जो पर्सन है ऐसा लगता है ऑलरेडी आपको मिस करने लगे हैं या कर रही हैं। ओके, ऐसा नहीं कहेंगे कि मिस कर रहे हैं तो बहुत दुखी हैं, एकदम टूटा हुआ दिल लेके बैठे हैं, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। हाँ, मिस कर रहे हैं आपको, आपके साथ बिताए हुए पल, आपके साथ जो भी मोमेंट्स शेयर किए हैं, जैसा आपके साथ फील होता है, वो सब वो मिस कर रहे हैं। तो यहाँ ऐसा लगता है कि यही कोई पास्ट पर्सन है जो आपकी लाइफ में लौट कर आने वाले हैं। बहुत हद तक मुझे ये भी लगता है कि ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी इस चीज़ को भी शो करती है, सोलमेट कनेक्शन को, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी दर्शा रही है। तो ऐसा हो सकता है कि ये आपके सोलमेट हों, ओके, सेम सोल फैमिली से आप लोग हो सकते हैं। तो इस पर्सन की तरफ से ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे और आपको अप्रोच करेंगे। अब ये जो अप्रोच करना है, ये मुझे बहुत हद तक कोई स्टेबल ऑफर लग रहा है, यानी कि अब आपके साथ कोई कैजुअल रिलेशनशिप या कोई टाइम पास करना या यूं ही इंजॉय करना, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। ऐसा लगता है अब जो उनका अगला कदम होगा वो कुछ स्टेबल ऑफर करने को लेकर होगा, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है वो भी एक स्टेबल ऑफर है, और एस ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबल और सॉलिड ऑफर है। ठीक है, कमिटमेंट वाली बात है यहाँ पर, प्रपोजल वाली बात है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए एक स्टेबल ऑफर दे सकते हैं, जैसे कि कोई कमिटमेंट देना, कोई प्रॉमिस करना, डायरेक्ट इंगेजमेंट की या फ्यूचर की बात करना, कमिटमेंट देना। और ये जो सॉलिड ऑफर है एस ऑफ पेंटिकल्स, ये यहाँ पर यही दर्शा रहा है कि जैसे कोई शादी का रिश्ता आना, ओके, शादी के लिए कमिटमेंट देना, शादी का रिश्ता आना, तो चीज़ों को सीरियस करना, एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुँचाना।
तो मुझे लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है, इनका जो अगला एक्शन है या अगला कदम है वो सीरियस है, ओके, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का है। वो आपको कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं और मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है। साथ ही साथ ऐसी भी वाइब है जैसे आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई प्रेजेंट देना चाहते हैं, ओके। हो सकता है कि किसी का जन्मदिन भी आ रहा हो, इस वजह से आपको प्रेजेंट देना चाहते हो, ये भी है। या इनका जन्मदिन बीत कर गया हो तो शायद आप इन्हें प्रेजेंट देना चाहते थे पर एक दूसरे को कोई गिफ्ट देने वाली वाइब भी है। तो हो सकता है कि ये नेक्स्ट एक्शन में ये भी सोच रहे हैं कि जब ये आपको कुछ ऑफर करें, जब ये आपको कुछ सॉलिड स्टेबल ऑफर करें तो ये आपको साथ में कुछ गिफ्ट भी दें, ओके, कोई उपहार आपको ज़रूर दें, कोई भेंट आपको ज़रूर दें एज अ टोकन ऑफ लव, एज अ टोकन ऑफ यू नो मैरिज और समथिंग, ओके। ये कोई बहुत सीरियस रहेगा तो ये रिंग भी हो सकती है और अगर यू नो एक फ्लावर भी हो सकता है, एक फूल हो सकता है, ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ हो, बस हो सकता है इनका मन है आपको कुछ गिफ्ट देने का जब ये आपको कुछ स्टेबल ऑफर करें, या कुछ ऐसा ओकेजन भी हो सकता है जिसमें मतलब भी है गिफ्ट देने का, ओके। यहाँ पर मुझे लग रहा है व्यूअर्स, आपके पास कम बैक करने से पहले ये पर्सन बहुत सोच समझ के आपके पास आएंगे, क्योंकि हर्मिट का कार्ड है, मुझे मैच्योरिटी भी लग रही है। ये पर्सन थोड़े यू नो मैच्योर हो चुके हैं या मैच्योर ऑलरेडी हैं, अगर पहले मैच्योर नहीं थे तो अब हो गए हैं, लेकिन मैच्योरिटी अब इनमें दिख रही है और ये बहुत सोच समझ के, बहुत ही सिचुएशन को एनालाइज करके उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसा रहेगा आगे का सफ़र, वो सब जाँच परखने के बाद ही आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे। तो अभी ये थिंकिंग मोड में चल रहे हैं, क्योंकि हर्मिट का कार्ड दिखाता है कि यू नो चिंतन भी करना, थिंकिंग करना, यू नो अपने ही दिमाग में सॉल्यूशंस निकालना, क्वेश्चंस करना, यू नो एनालिसिस करना। तो यहाँ पर ये ऐसे ही अपनी गहरी सोच में डूबे हुए हैं, लेकिन इंटेंशन जो है वो सीरियस है, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो इनका अगला कदम तो यही होगा व्यूअर्स, ठीक है। ये जो पर्सन है व्यूअर्स आपके, इनके नाम में 4-7 अक्षर हो सकते हैं, या 4 अक्षर हो सकते हैं, 5 अक्षर भी हो सकते हैं, ओके। तो ये कुछ लेटर्स हैं जो इनके नाम में हो सकते हैं। ये कार्ड पॉप आउट हुआ है, ये लवर्स का कार्ड है। तो व्यूअर्स ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस को दर्शाता है। मैं एक बार फिर ये कार्ड आपको दिखाती हूँ, अगर फोकस, यस, ये जो कार्ड है व्यूअर्स ये स्पिरिचुअल कनेक्शन को दर्शाता है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि हो सकता है कि ये एक सोलमेट कनेक्शन हो, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये जो सिक्स ऑफ कप्स है ये पास्ट लाइफ कनेक्शंस को भी दर्शाता है। तो हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप सोलमेट्स हैं, इसीलिए यू गाइज वर डेस्टाइन टू मीट ईच अदर इन दिस लाइफ, ओके। आप इस जन्म में, इस जीवन में एक दूसरे से मिलना आपके भाग्य में ही लिखा था और आप मिल चुके हैं। एक दूसरे से आपके रास्ते टकराएंगे, एक दूसरे से यू नो आपकी मुलाकात होगी, इस तरह से वो ऐसा होना ही था, ओके। तो डेस्टाइंड है ये सब जो आपके साथ हो रहा है, ओके। इनका अगला कदम सीरियस होगा, मैंने आपको बताया है। करंट एनर्जी कुछ ऐसी लग रही है कि डीप थिंकिंग, अगेन मुझे हैंगमैन का कार्ड आया है और ये ऐसा शो करता है जैसे बिफोर डिसीजन एक ब्लैंक माइंड होता है कि अभी डिसीजन नहीं लिया, एंड आफ्टर टेकिंग डिसीजन हमारे पास एक डिसीजन होता है, ओके। लेकिन बीच में जो प्रोसेस होता है सोचने का, समझने का, डिसीजन लेने के लिए क्या करना है, किस चीज़ पर गौर करना है, वो जो बीच का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में अभी है ये, ओके। तो उस फेज में भी नहीं है, स्टार्टिंग वाले में कि अभी इन्हें पता ही नहीं है क्या करना है, और वहां तक भी नहीं पहुंच पाए हैं कि अभी समझ में आ गया है क्या करना है और वही करने के लिए तैयार हैं। अभी ये थिंकिंग मोड में हैं, अभी ये सोच रहे हैं। ये हैंगमैन का कार्ड भी एक किसी ऐसे मैच्योर पर्सन की थिंकिंग को बताता है जो काफ़ी नॉलेजेबल है, स्मार्ट है, ओके, एक्सपीरियंस्ड है। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी नॉलेजेबल बहुत है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इनको थोड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज भी होगा, ओके, यस। अब ये चाहे यू नो ज़्यादा डिवाइन में या ज़्यादा ऐसी बातें करें या ना करें, लेकिन इनका जो नेचुरली इनके अंदर ये क्वालिटी होगी या नेचुरली इनके अंदर ये एट्रीब्यूट होगा कि ये स्पिरिचुअल हैं, ओके, ये पर्सन नेचुरली स्पिरिचुअल हैं। तो मुझे ओल्ड सोल लग रहे हैं ये काफ़ी,
तो ये इस समय सोच रहे हैं ओके। लेकिन मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि इनका अगला कदम जो होगा वो स्टेबल ऑफर होगा कोई ओके। चलिए एक कार्ड और लेते हैं इसी डेक से, लेट्स सी। पेज ऑफ कप्स ओके व्यूअर्स, देखिए स्टेबिलिटी मुझे लगता है कि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको ज़रूर ऑफर की जाएगी, लेकिन अगर रिसेंटली आप उनका कोई कॉल या मैसेज आया हो अगर आपको, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि उन्होंने बहुत ही सिंपल बेसिक बात करने की कोशिश की होगी, या आपको हंसाने की कोशिश की होगी, या आप लोग किसी बात पर हंस रहे होंगे, लेकिन कुछ सीरियस बात या कोई शादी की बात आप लोग नहीं कर रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे तो आपके साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर रखेंगे, एज अ बेस्ट फ्रेंड आपके साथ रहेंगे, आपके साथ अपनी सारी बातें शेयर करेंगे जैसे बेस्ट फ्रेंड्स करते हैं, आपको कंफर्टेबल फील करवाएंगे, देन वो आपको कोई स्टेबल ऑफर देंगे, तब वो आपको कोई सॉलिड ऑफर देंगे। उससे पहले मुझे लगता है आपका विश्वास जीतना है या आपके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रांग करना है, पर पेज ऑफ कप्स का जो ऑफर होता है वो बहुत सीरियस ऑफर नहीं होता, एक फ्रेंडली यू नो और लाइट और बहुत ही यू नो जॉयफुल ऐसा ऑफर होता है, तो इसमें बहुत सीरियसनेस नहीं होती, लेकिन ये इनकी इनिशियल अप्रोच होगी। डायरेक्टली आपको आकर नहीं कहेंगे कि मुझे शादी करनी है, और इंटेंशन ये भी नहीं है कि टाइम पास करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी इनसे कुछ दिनों पहले बात हुई है या अगले एक हफ्ते के भीतर अगर इनसे बात होती है तो ये बहुत सीरियस बात नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये टाइम पास करना चाहते हैं या सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हैं या चाहती हैं या फिर अभी ये सीरियस नहीं है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि वो आपके साथ टाइम पास करना चाहते हैं या ऐसा कुछ, वो यू नो धीरे धीरे आगे स्टेप लेंगे। तो इनका मेजर स्टेप जो आगे जाके इन फ्यूचर मुझे लग रहा है कि वो आपको स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे, बट अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने अगर आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की तो वो बहुत ही जनरल सिंपल बेसिक बात होगी, उस बात से ना ही आपको हर्ट होना है ना ही बहुत एक्साइटेड होना है ओके व्यूअर्स। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, चलिए मैं आपके लिए डिवाइन मैसेज लेती हूँ कि यहाँ क्या डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, इधर क्या गाइडेंस है आपके लिए, मैं यहाँ पर ये देखूंगी ओके ओके। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं पहली बात फेथ की ज़रूरत है डिवाइन पर, यानी डिवाइन पर यूनिवर्स पर आपको भी अपना भरोसा जो है वो मेंटेन करके रखना होगा ओके। ऐसा नहीं चलेगा कि आप विश्वास नहीं करेंगे या आप डाउट में आ जाएंगे कि पता नहीं क्या होगा, मुझे तो अब भी लग रहा है कि ये चीटिंग कर रहे हैं, मुझे तो अब भी लग रहा है कि ये पर्सन कुछ गलत है। लेकिन देखिए अगर आपको सीरियसली ऐसा लगता है कि कुछ वहाँ पर कुछ रॉन्ग है, कुछ गलत है, तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है या सिर्फ आप एक ओवर थिंकिंग के पर्सपेक्टिव से ही ओवरथिंक कर करके किसी को डाउट कर रहे हैं, ओवरथिंक कर करके फेथ नहीं रख रहे हैं, यू नो अपना जो फेथ है कि ज़रूर अच्छा होगा मेरे साथ, वो फेथ भी आप लूज़ कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है आपको। चाहे सिचुएशंस पर इतना भरोसा ना हो लेकिन आपको डिवाइन पर भरोसा रखना है। इसका मतलब ये है कि आपको खुद पर भी विश्वास रखना है ओके। जब हम किसी से नमस्ते कहते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आई रिकग्नाइज द डिवाइन इन यू, यानी मैंने आपके भीतर के डिवाइन को पहचान लिया है। तो हम खुद को भी वो इतनी वैल्यू दे सकते हैं कि हम अगर विश्वास रखेंगे तो हमारे साथ गलत नहीं होगा। यहाँ पर कर्म की बात नहीं हो रही है, अगर कर्म के अनुसार हमें कोई फल मिल रहा है तो वो हम स्किप नहीं कर सकते, लेकिन जो अभी हुआ नहीं है और हमें पता नहीं है कि होगा कि नहीं, तो उस सिचुएशन को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फेथ रखने की ज़रूरत है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है ओके। तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि आप डिवाइन पर फेथ रखिए ओके। यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन की बात भी की जा रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके इंटेंशंस भी प्योर हैं, उनके भी प्योर हैं, लेकिन आप जब बात करने जाते हैं दोनों जने, आप हो चाहे आपके पर्सन हो या आप हो, जब आप लोग बात करना शुरू करते हैं तो आप लोग कुछ और बोलते हैं ठीक है। तो जैसे सपोज आपको बोलना है आई लव यू, तो आप जाकर बोलेंगे कि
कि और यू नो कुछ टॉपिक चेंज करके बात करेंगे, कुछ और बोलेंगे आप। अगर आपके पर्सन को आपसे कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन करना है या आपको करना है, तो आप लोग कुछ और बात करेंगे। मतलब आप लोग डायरेक्ट क्लियर बात नहीं करते, यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है ऐसा दिख रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई चालाकी कर रहे हैं, बात सिर्फ इतनी सी है कि आप लोगों को डर लगता है, आप लोगों को सामने वाले के रिस्पॉन्स के बारे में डर लगता है, या आप लोगों को अपनी रेपुटेशन, अपनी इमेज के बारे में डर लगता है। बट कुछ भी हो रीज़न, लेकिन दिख तो ऐसा रहा है जैसे क्लियर कम्युनिकेशन है ही नहीं, कम्युनिकेशन गैप है। ओके, तो उस कम्युनिकेशन गैप को फिल करना है। नहीं होती है बात तो कोई बात नहीं, लेकिन जब होती है तो आप जेन्युइनली ऑनेस्टली बात करें। ओके, ताकि वो भी आपको इतना कंफर्टेबल देखकर फ्री फील कर सकें, और वो भी जो फील करते हैं, जो भी महसूस करते हैं, उसे एग्जैक्टली बता सकें आपको। ओके, तो यहाँ पर खुद पर विश्वास रखना है, डिवाइन पर विश्वास रखना है, और अपने मन में जो बातें हैं, कोई प्रश्न है, कोई बातें हैं, तो वो साफ साफ कहनी चाहिए, ताकि कल को आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना बने। ओके, तो उनका अगला कदम मैंने बताया कि अगर 1 वीक के अंदर कोई कॉल मैसेज करते हैं तो बहुत ही जनरल बेसिक बात करेंगे, लेकिन उससे आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि वो एक उनका फर्स्ट स्टेप होगा। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के वो आपको एक स्टेबल ऑफर देंगे। ठीक है, तो कम बैक कर रहा है कोई पास्ट पर्सन, ये भी नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प किया है तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। ओके, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँगी, सबसे पहले वो आप तक पहुँचेगा। और आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट करती है। ओके, और कितने परसेंट करती है, या बिल्कुल नहीं करती, या एक्यूरेटली करती है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ओके व्यूअर्स, और अपने एक्सपीरियंसेस भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोबारा मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं प्रोवाइड करती हूँ। तो कमेंट्स में अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप नंबर, कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल मेरे नाम से, मेरे चैनल के नाम से, या किसी और के नाम से भी आपको कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर देता है कमेंट्स में, तो उसका विश्वास ना करें, वो एक फ्रॉड और स्कैम हो सकता है। क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं देती हूँ, और ना ही मैंने यूट्यूब पर कोई भी व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया है, मैंने कोई नंबर प्रोवाइड नहीं किया है। तो ध्यान रखें इस बात का, ठीक है व्यूअर्स, और अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके व्यूअर्स, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंजल्स, बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल एंड लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।